ये है एलोवेरा प्लांट। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, हेयर्स के लिए, अपनी स्किन के लिए और स्टोमक के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। और इसके प्लांट्स के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से एयर पोल्यूशन को दूर करता है। 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, आप इसको रूम में इंडोर भी रख सकते हैं। इसको भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, डेजर्ट प्लांट है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसको सनलाइट चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट, अगर तेज़ धूप में रखेंगे तो इसका ग्रीन कलर ब्राउन हो जाएगा। ये सर्वाइव तो करेगा क्योंकि डेजर्ट प्लांट है ये, बट इसका ब्राउन कलर हो जाएगा। आप इसको मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको आप रूम में भी रख सकते हैं जहाँ पे लाइट होनी चाहिए, लाइट मीन्स रोशनी, अंधेरा ना हो, लाइट में ही आराम से सर्वाइव कर जाएगा। आप वीक में इसको वन डे वीक में वंस आप इसको सनलाइट के लिए बाहर रख दें, लेकिन उस टाइम भी आप ऐसा नहीं हो कि आप उसको एकदम पहले से ही शेड में रखें और एकदम से उसको तेज सनलाइट में रख दें तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसको लाइट सनलाइट मतलब मॉर्निंग और इवनिंग वाली सनलाइट में रखें। और इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं, इसको लीफ के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी लीफ को यहाँ से कट कर दें और 1 और 2 मंथ तक इसको मिट्टी में दबा के रखें, लेकिन ये थोड़ा टफ होता है। इसका मैं इजी वे बताती हूँ आपको। जब ये प्लांट होता है उसके आसपास से इसके छोटे छोटे पब्स आ जाते हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे पब्स निकल रहे हैं आपको, ये देखिए छोटे छोटे पब्स हैं। ये रूट थी एक दूसरे एलोवेरा प्लांट की, तो मैंने रूट इसको ऐसे ही दबा दिया। उसको ट्रांसप्लांट किया था तो उसकी जो बड़ी रूट थी उसको मैंने यहाँ पे दबा दिया और उस प्लांट को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया। तो इसी रूट्स के चारों ओर ये छोटे छोटे पब्स आ गए हैं। और जब भी आप किसी प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किसी को दूसरे पॉट में लगाएं, तो उसकी रूट्स को हॉरिजेंटल लगाएं। वर्टिकल लगाएंगे तो उसकी बेबीज पब्स के चांसेस आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, मतलब लेट आएंगे। अगर आप उसको हॉरिजेंटल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पब्स मिलेंगे, बहुत जल्दी पब्स मिलेंगे, उसके छोटे बेबीज मिलेंगे। पब्स बेबीज़ को बोलते हैं, जो प्लांट्स के बेबीज़ होते हैं उसको पब्स बोलते हैं। तो इसी तरह से इसके जो ये जो अंदर का जो फ्लैश होता है उसी को हम यूज़ करते हैं, इसकी थ्रोन्स को हटा के उसी को हम अपने हेयर्स के लिए, स्किन के लिए या खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक फ्रूट भी आता है, इसको फली बोलते हैं, उसका पिकल बनता है, उसकी वेजिटेबल्स बनती हैं। और आप इसको बॉटल्स में भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब स्मॉल बॉटल में भी, लेकिन उससे ये होगा कि इसके पब्स नहीं आएंगे क्योंकि इसको ये वाला स्पेस चाहिए कि रूट्स जहाँ पे फैले वहीं पे स्पेस आए और बहुत ज़्यादा पानी ना दें। ओके, बाय।